हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। तो हम लोग इस सीरीज में पढ़ रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जेएनएम और पैरामेडिकल करने के बाद एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कैसे पाना है। तो आपको कुछ एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और उस एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी हम लोग इस सीरीज में कर रहे हैं, जिसमें आपको हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है। फिर उसके रिगार्डिंग जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उस चैप्टर को खत्म करने के बाद आपके सामने रखा जाएगा। और सीरीज ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप देख लेते हो तो आपको जॉब लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। और इसके रिगार्डिंग मैंने एक पीडीएफ भी बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमने मूत्र एकत्रित करना सीख लिया था, अब हम लोग करेंगे बलगम या कफ एकत्रित करने की प्रोसेस के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो कफ को कैसे कलेक्ट किया जाता है, देखो। तो परीक्षण के लिए सुबह जल्दी सैंपल को लेना होता है, कफ के लिए सुबह सुबह जल्दी सैंपल को लेना होता है। उसके बाद मरीज को सादा पानी से मुंह धोना चाहिए, एकदम सादा पानी से मुंह धोना चाहिए, जिससे मुंह की जो गंदगी है वो बाहर निकल जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मरीज को थूकने की जगह पर एक मग रखा जाना चाहिए और उस मग में एक कवर लगा हो, ठीक है। कवर लगा होना बहुत ज़रूरी है। और मरीज के जो गहरे कफ होते हैं उसका नमूना उस कवर में आसानी से आ जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका प्रोसेस क्या होता है। कफ को विसंक्रमित मग में कल्चर के लिए लेना चाहिए, ठीक है। फिर सैंपल पर लेबल लगाकर उसे प्रयोगशाला में जांच हेतु तुरंत भेजना चाहिए, उसमें लेबल लगाना जरूरी है। उसके बाद एक टर्म आता है AFB, इसका मीन्स क्या होता है, एसिड फास्ट वेसिलस, ठीक है। ये क्या करते हैं, गले का स्वाब लेने के लिए मरीज को मुंह खोलकर जीभ ऊंची करके थूक पेपर से लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद AFB स्वाब को परख नली में रख कर विसंक्रमित रुई से इसको स्वाब को अच्छी तरह से ढक देना चाहिए, ओके। उसके बाद मरीज को स्वाब लेने के पहले कोई भी एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी एंटीबायोटिक नहीं होना चाहिए उनके शरीर में, ठीक है। ये AFB टेस्ट कल्चर संवेदना कम कर देते हैं और इससे लार नहीं भेजना चाहिए। तो अगर कोई एंटीबायोटिक लिया गया हो तो फिर ये मरीज का स्वाब नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और ये AFB टेस्ट कल्चर के संवेदना को कम कर देता है, ओके। तो ये प्रिकॉशन ध्यान देना चाहिए। अब देखिए मल इकट्ठा करना, स्टूल कलेक्शन कैसे किया जाता है। तो स्टूल कलेक्शन के लिए क्या क्या किया जाता है, यह मल को संक्रमित बैक्टीरिया श्लेष्म, वसा, परजीवी या रुधिर की पहचान के लिए उपयोग करता है, ओके। मल टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं, तो इन प्रोसेस को जानने के लिए करते हैं। तो मल कलेक्ट कैसे किया जाता है, इसमें शुद्ध मल का 15-30 ग्राम तक नमूना एकत्रित किया जाता है, ये क्वांटिटी होती है। 15-13 ग्राम तक ही कलेक्ट करना होता है, इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं। उसके बाद इसमें सैंपल को एक छोटे पात्र में स्पैचुला की सहायता से लिया जाता है, ओके। एक छोटे से कंटेनर में स्पैचुला की सहायता से लिया जाता है, ठीक है। ये टर्म इम्पॉर्टेंट है, स्पैचुला। उसके बाद देखिए वयस्क या बड़ों में जो मल होता है उसको एक प्लास्टिक बैग में चौड़ा करके रखते हैं और एक भाग सैंपल के रूप में प्रयोगशाला में भेज देते हैं, ओके। उसके बाद नवजात बच्चों में क्या होता है, एक प्लास्टिक रैप होता है उसको डायपर में रखते हैं एवं मूत्र बैग को एकत्रित इसी के साथ लगा देते हैं और डायरेक्ट उसमें कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। बड़ों के लिए अलग होता है। चलिए नेक्स्ट है, सैंपल बोतल को पूरा नहीं भरना चाहिए एवं इन्हें गंदगी से बचा कर रखना चाहिए, इसको पूरा नहीं भरना चाहिए। सैंपल बैग होता है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फुल नहीं भर देना चाहिए, उसको थोड़ा खाली रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सैंपल पर लेबल लगाकर प्रयोगशाला में जांच के लिए तुरंत भेजना चाहिए। फिर देखिए अच्छे परिणाम के लिए मल का परीक्षण 3 दिनों के अंदर ही करना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये टर्म वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो 3 दिन के अंदर ही कर देना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होता है उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं और फिर जो आप परीक्षण करना चाह रहे हो उसमें आपको एक्यूरेसी नहीं मिल पाती है। तो 3 दिन के भीतर ही ये कर देना चाहिए। कुछ प्रिकॉशन अपनाने चाहिए इस प्रोसेस में, क्या क्या, देखिए यदि कुछ रुधिर की आशंका हो, अगर आपको लग रहा है कुछ ब्लड उसमें आ रहे हैं, तो मरीज को थोड़ा सा हल्का विरेचक देना चाहिए और भारी खाना जैसे मांस आदि को जो परीक्षण होता है उससे 3 दिन पहले नहीं खाने देना चाहिए। मान लो जो आप टेस्ट कर रहे हो 3 दिन के भीतर, तो उससे पहले ये भारी खाना नहीं होना चाहिए, उनको थोड़ा सा लाइट फूड देना चाहिए। उसके बाद यदि मसूड़े में रुधिर आता हो
तो मुंह को माउथ वॉश से धोना चाहिए और रुधिर को साफ कपड़ों से साफ करना चाहिए और उसे निकलने से रोकना चाहिए, ठीक है, ब्लड नहीं आना चाहिए। उसके बाद मरीज को एंटासिड तेल युक्त भोजन वो एंटीबायोटिक लेने से मना करना चाहिए ताकि मल परीक्षण में कोई हस्तक्षेप ना उत्पन्न हो, ठीक है। एंटीबायोटिक हमेशा नहीं देना चाहिए कभी भी कोई टेस्ट हो रही है तो, ओके। और एनसाइडिक और जो तेल युक्त भोजन है तो उसको भी मना किया जाता है। यदि मल में आपको बसा होने की आशंका हो रही है तो मरीज के सैंपल को सील बंद डिब्बे में ही एकत्रित करना चाहिए, ठीक है, सील होना चाहिए। फिर 24 घंटे की अवधि में मल त्याग को 2 या 3 दिन में इकट्ठा करके ऐसे रोज परीक्षण के लिए भेजें। अब हम लोग देखते हैं रुधिर इकट्ठा करना, ब्लड कलेक्शन कैसे होता है। रुधिर के परीक्षण को निम्न कारणों से किया जाता है। पहला क्या होता है, रुधिर अध्ययन। उसमें क्या क्या अध्ययन किया जाता है, HbTLC, DLC, ESRCT, ग्रुपिंग एवं क्रॉस मैच आदि। इनका टेस्ट करने के लिए हम लोग ब्लड को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और होता है, एलर्जी जांच। अगर एलर्जी हो तो उसका जांच करने के लिए हम लोग को ब्लड कलेक्ट करना पड़ता है। फिर होता है यूरिया टेस्ट, शुगर टेस्ट, LFT टेस्ट, ठीक है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। LFT क्या होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट, ठीक है। तो ये सब कलेक्ट करने के लिए, ये सब जाँच करने के लिए हम लोग ब्लड को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर कोई एंजाइम्स डिसऑर्डर हुई है तो भी हम लोग ब्लड के थ्रू उसको जांच करते हैं, एंजाइम्स, ठीक है। एंटीजेंस जांच करने के लिए भी ब्लड को कलेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स की जो क्वांटिटी है वो जांच करने के लिए हम लोग ब्लड कलेक्ट करते हैं। फिर एंटीबॉडीज़ को जांच करने के लिए भी हम लोग ब्लड को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस को जानने के लिए हम लोग ब्लड को कलेक्ट करते हैं। अब देखो ब्लड कलेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, तीन प्रोसेस होते हैं, नॉर्मली तीन प्रोसेस होते हैं। पहला होता है आर्टेरियल सैम्पलिंग, दूसरा वेनी पंक्चर सैम्पलिंग और तीसरा फिंगर स्टिक सैम्पलिंग। इस तीन प्रोसेस से आप ब्लड को कलेक्ट कर सकते हो। देखो सैंपल एकत्रित करने वाले को फ्लेबोटोमिस्ट कहते हैं, ठीक है, जो सैंपल कलेक्ट करते हैं उसको फ्लेबोटोमिस्ट कहा जाता है। यह रुधिर के सैंपल एकत्रित करके बीमारी की पहचान करने में सहायता करता है, ठीक है, इस बीमारी को जानने में यह सहायता करता है। रुधिर के सैंपल एकत्रित करने के तुरंत बाद ही इनको एंट्री सेप्टिक फ्यूज नहीं देना चाहिए। रुधिर के सैंपल को एकत्रित करने के तुरंत बाद ही इनको सेंट्रीफ्यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। सैंपल कलेक्शन ट्यूब में इसको खड़ी अवस्था में लगभग 30 मिनट तक रखना चाहिए और इसके पश्चात 2200 टू 2500 RPM पर 15 मिनट तक सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, ओके। चलो इसको समझ में आ गया, आगे देखते हैं। यदि परीक्षण 1 सप्ताह के अंदर करना हो तो रुधिर के सीरम को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है अगर 1 वीक के अंदर करना हो तो, और यदि बाद में करना है तो आप इसको -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना पड़ेगा, ओके। चलिए अब देखिए EDTA, EDTA क्या होता है, तो EDTA जो होता है इसके साथ रुधिर सैंपल को 24 से 28 घंटे तक सामान्य तापमान पर आप इसको रख सकते हो और ये एक ऐसा रसायन है जो ब्लड को जमने नहीं देता, ठीक है। ब्लड को कलेक्ट करने के बाद आप इसको आराम से 28 आवर तक रख सकते हो, कोई ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होगी, ठीक है। सामान्य ABG एनालिसिस, ये क्या होता है, देखो इसमें pH वैल्यू जो होते हैं ना वो 7.35 to 7.45 होना चाहिए। PaO2 आपका होना चाहिए 8 to 100 mmHg। PaCO2 होना चाहिए 35 to 45 mmHg। ये बाइकार्बोनेट्स की भी जो क्वांटिटी होती है वो 22 to 26 MeQ पर लीटर होनी चाहिए, ठीक है, ये यूनिट्स है। चलिए अब देखिए श्वसनीय क्षारीयता, श्वसनीय क्षारीयता में pH जो होती है वो 7.5 होगी, 7.35 होगी, 7.45 बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। PaCO2 में ये 40 mmHg के करीब होंगे और बाइकार्बोनेट्स 22 से 26 ही रहेंगे, ठीक है, अगर श्वसन में क्षारीयता आती है तो। अगर श्वसन अम्लीय है तो फिर pH क्या हो जाएंगे, ये 7.35 से क्या होंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है,
और PACO2 जो है वो आपका 40 mmHg के करीब होंगे और बाइकार्बोनेट्स उतने ही रहेंगे। ओके, अगर मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस है तो pH वैल्यू क्या हो जाएंगे, 7.45 से अधिक। ठीक है, PaCO2 हो जाएंगे 35 to 45 और बाइकार्बोनेट्स हो जाएंगे 26 से अधिक। ठीक है, और अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो pH वैल्यू हो जाएंगे 7.35 से कम और जो आपका PaCO2 है ये 35 to 45 रहेंगे और बाइकार्बोनेट्स 22 से कम हो जाएंगे। ठीक है, और फिर इन असामान्यताओं को दूर करने के लिए PCO2 एवं बाइकार्बोनेट्स में परस्पर क्षतिपूर्ति होती रहती है। ओके, तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और पूरा सीरीज देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप पूरा सीरीज देख सकते हो। और इसके रिगार्डिंग मैंने एक PDF भी बनाया हुआ है जिसमें आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैंने उस PDF में सेलेक्ट किया है, तो उसको भी आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए और उसको पढ़ लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, सभी लोग जाइए और डाउनलोड करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।